हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज कहानी शुरू करेंगे, हाल ही में रिलीज हुई है पिनोकियो, जो कि बहुत अमेजिंग कठपुतली की जबरदस्त स्टोरी है। तो हम चलते इस मूवी की स्टोरी में। हमें एक जीवी नाम का एक चिटी नजर आती है, जो कि हमें इस मूवी की कहानी सुनाने वाली होती है। और वो एक गांव के एक घर के पास आती, जो कि वो घर गैप्रेटो नाम के एक ओल्ड मैन का होता है, जो कि घर पर एक काम पर लगा होता है। जिम्मी आगे बढ़कर उसे देखने लगता है और वहाँ गैप्रेटो एक कठपुतली का पुतला बनाता है और उसे देखकर काफी खुश होता है, जो कि उस पुतले को एक तस्वीर देखकर बनाया था, जो कि वो तस्वीर गैप्रेटो के मरे हुए बेटे की थी। और गैप्रेटो काफी अकेला रहता था और तभी घर पर एक आदमी आता है, जो कि उसे गैप्रेटो मिलता है, जो उसे गैप्रेटो के सारी घड़ियां खरीदनी होती है, जो कि उसे काफी पसंद होती है, लेकिन गैप्रेटो उन्हें बेचने से मना करता है। तब वो आदमी वहाँ से चला जाता है और फिर गैप्रेटो अपने जानवरों को बताता कि वो कभी नहीं समझ सकते हैं ये जो घड़ी है अपने पत्नी की याद में बनाई है, इस कारण इन्हें कभी भी नहीं बेचेगा। और फिर गैप्रेटो अपने पुतले को देखने जाता है, जो कि इसे काफी पसंद होता है और वो जो कि पाइन लकड़ी से बना होता है, इसलिए गैप्रेटो उसे पाइन क्यों नाम देता है और ये नाम उसे काफी पसंद आता। और फिर गैप्रेटो पिनोकियो के साथ डांस करने लगता है, जिसे दोनों घर में नाचते और फिर रात होती है। गैप्रेटो अपने जानवरों को सुलाता है, लाइट बंद कर देता है और उसे चांद के चांदनी में पिनोकियो और सुंदर लगता है। और फिर गैप्रेटो बाहर देखता है, तब उसे टूटता तारा देखता है और गैप्रेटो विश मांगता है और इस बारे में सोचते सोचते सो जाता है। कुछ देर बाद वो तारा चमकने लगता है, उससे रोशनी आती है जो गैप्रेटो के बेटे के तस्वीर पर पड़ती है और वहाँ से रोशनी पिनोकियो पर पड़ती। अचानक से पिनोकियो में जान आ जाती है और ये घटना जिम्मी भी देखता है और वहाँ पर सारी लाइट जगमगाने लगती है और वहाँ पर एक नीली परी आती है और जिम्मी उस परी से मिलता है और वहाँ परी बताती है गैप्रेटो ने सच्चे दिल से विश मांगी थी, इसलिए इसे पूरी करने आई हूँ। और वहाँ पिनोकियो उनसे मिलता है, उसका नाम नीली परी को काफी पसंद आता है। वहाँ पिनोकियो एक असली लड़का नहीं है बल्कि एक पुतला है, ये जिम्मी बताता है, मगर पिनोकियो को एक असली लड़का बनना होता है जो कि उसे बनाने वाले गैप्रेटो को खुश कर सके। परी उसे बताती है अपना दिल मन साफ करके सही चीजें करनी होगी, जिससे उसके पिता गैप्रेटो को खुश कर सके। और वहाँ पिनोकियो अपने पिता को खुश देखना चाहता है, जो कि पिनोकियो को सही चीजें करने की जानकारी नहीं होती है कि जिम्मी को क्या सही है क्या गलत है उसे पता होता है। तभी परी उसकी जिम्मेदारी देती है और इसी के साथ उसे एक नया रूप भी देती है। और फिर परी पिनोकियो को दिल साफ रख कर जिंदगी को सही दिशा में ले जाने को कहती, ताकि इससे इसके पिता भी खुश रहे। और वहाँ से परी चली जाती है। उसके जाते ही गैप्रेटो उठता, जिसमें उसने किसी की आवाज़ सुनी होती है। और फिर गैप्रेटो आगे बढ़ता है और वहाँ पिनोकियो उससे बात करता है और तब गैप्रेटो डर जाता है और फिर उसे याद आता है कि उसने एक विश मांगी थी और अब पिनोकियो में अब जान आ चुकी थी, जिसमें पिनोकियो हाँ बोलता है और नीली परी उनके विश मांगने पर ही किया है ये वो बताता है। और वो अपने पिता को खुश करना चाहता है ये बोलता है। और तब गैप्रेटो आकर पिनोकियो को उठा लेता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है, जिसमें पिनोकियो को जिंदा होने से गैप्रेटो का अकेलापन दूर हो चुका होता है और वो दोनों नाचने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों साथ में जीना भी सीख लेते हैं। और ऐसे ही कई दिन भी जाते हैं और फिर एक दिन गैप्रेटो पिनोकियो को बाकी के सारे बच्चों के साथ स्कूल भेजने के बारे में सोचता है। अगले दिन पिनोकियो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और वो काफी खुश होता है, जिसमें वहाँ से सभी बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तब गैप्रेटो पिनोकियो को उसका बुक देता है और वो उसे बताता है कि यहाँ के रास्ते ज्यादा कन्फ्यूजन से भरे पड़े हैं, मगर तुम्हें सही रास्ता से तुम्हें शाम तक घर तक आना होगा। और पिनोकियो हाँ बोलता है, तब गैप्रेटो उसे छोड़ता है और पिनोकियो बाकी के बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकलता है। और उसे छोड़ने के बाद गैप्रेटो घर आता है, तब वहाँ जिम्मी उठता है, पिनोकियो को संभालना होता है, याद आने पर वो वहाँ से भागता है और घर के बाहर उसे कबूतर दिखता है और वो कबूतर बताता है तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तब जिम्मी कहता है मुझे पीनो को सही रास्ता दिखाने का काम मिला है और वो उससे मदद मांगता है। और तब कबूतर जिम्मी को वहाँ से पिनोकियो के पास ले जाने के लिए निकलता है
दूसरी तरफ शहर में ऑनेस नाम का एक वुल्फ और जॉन नाम की एक बिल्ली घूम रही होती है और वो बच्चों के साथ पिनोकियो को भी देखती है क्योंकि वो पुतला होता मगर उसमें जान होती है। और फिर दोनों उसके पास जाते हैं और उससे वहाँ बात करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि पिनोकियो एक काफी स्मार्ट पुतला है और तब पिनोकियो अपने पिता को खुश करने के लिए स्कूल जा रहा है ये बताता है। और तब ऑनेस्ट उसके पिता को खुश करने के लिए फेमस होने के लिए कहता है जिनमें पुतला का काम लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और तब पिनोकियो इस बारे में सोचता है जिसमें उसके पिता को टैलेंट के बारे में नहीं पता होता है। ऑनेस्ट ये बात पिनोक को कहता है और तब पिनोकियो अपने पिता को खुश करने के लिए उन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें ऊपर से जिम्मी उन्हें देख लेता है और वो ऑनेस्ट की टोपी पर बैठ जाता है। और तब जॉन हथौड़े से ऑनेस्ट के सर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है और जिम्मी के चलते वो भी बेहोश हो जाता है। और फिर पिनोकियो जिम्मी को बताता है कि वो स्कूल की जगह वो शो करके अपने पिता को खुश करेगा। और तब वहाँ जिम्मी बताता है कि उसे उसके पिता की बात मानकर तुम्हें स्कूल जाना चाहिए और नीली परी ने उसकी बात सुनने को कहा था। और तब पिनोकियो उसकी बात सुनकर स्कूल के पास आता है और फिर जिम्मी स्कूल के बाहर रुकता है और वहाँ से पिनोकियो स्कूल में जाता है और इस चीज से जिम्मी खुश हो जाता है। लेकिन वो देखता है टीचर ने पिनोकियो को स्कूल से बाहर फेंक देता है जिसमें वो एक पुतला है और वो इंसानों के साथ नहीं पढ़ सकता है, साथ ही पुतलों का काम लोगों को खुश करना होता है, ऐसा टीचर बोलता है। वहीं पर ऑनेस्ट जिम्मी को कैद कर देता है और फिर वो पिनोकियो के पास आकर उसे बताता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी और देख लिया कि पुतलों का काम लोगों को केवल खुश करना होता है। और तब पिनोकियो दुनिया को खुद के टैलेंट से खुश कर सकता है ये वो कहता है। और तब वहाँ पिनोकियो अपने पिता के बारे में बताता है और वहाँ ऑनेस्ट बताता है कि उसे उसके पिता के कहने पर स्कूल जाकर देख लिया और अब उसे उसके टीचर कहने के मुताबिक लोगों को खुश करने के बारे में सोचना चाहिए। और तब पिनोकियो ऑनेस्ट से हाथ मिला लेता है और फिर तीनों वहाँ से निकलते हैं और जिम्मी इस चीज से दुखी होता है। दूसरी तरफ शाम होने तक पिनोकियो घर नहीं आता, इस चीज से गेपेटो परेशान होता है और फिर वो अपने जानवरों के साथ घर से निकलता है। और फिर गांव के दूसरी तरफ एक जगह स्टोंक नाम का एक आदमी अपना शो दिखा रहा होता है और वहाँ उसके पास कई सारे पुतले होते हैं जिसमें अंदर पिनोकियो को फैद नाम की एक लड़की तैयार कराती है और पिनोकियो उससे मिलता है और वहाँ फैद पिनोकियो को उसके डोल रूबी से मिलाती है क्योंकि पिनोकियो के साथ ही परफॉर्म करने वाली होती है। और फिर वहाँ फैद आगे बढ़ती है और फिर शो शुरू होता है जिसमें पिनोकियो बाहर आके नाचने लगता है और उसके साथ दूसरे पुतले भी नाचते हैं और वहाँ रूबी को फैद नचवाती है जिसमें पिनोकियो इस चीज से खुश होता है और वहाँ नाचते नाचते अपना पैर ज्यादा तेज चलाने की वजह से वहाँ आग लग जाती है। तब स्टोन पानी डालकर आग बुझाता है जिसमें पिनोकियो उसे खत्म करता है और ये शो सभी लोगों को काफी लोगों को पसंद आता है और वो लोग वहाँ काफी सारा पैसे देते हैं और उन पैसों को देखकर स्टोन खुश हो जाता है और वो पिनोकियो की तारीफ करता है। और फिर रात को पिनोकियो एक रूम में फैद को गाते हुए देखता है जिसमें वहाँ रूबी के साथ वो परफॉर्म करने की तैयारी करती है और फैद पिनोकियो को देखती है और रूबी के साथ पिनोकियो को भी डांस करवाती है जिसमें पिनोकियो को बहुत मजा आता है और वहाँ पर स्टॉम आकर भड़क जाता है और फिर वो पिनोकियो को लेकर जाता है जिसमें कोई भी बिना पैसों के नहीं नाचेगा ये बोलकर स्टॉम पिनोकियो को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसने ऑनेस्ट को काफी ज्यादा पैसे दिए है ये बताकर स्टॉम वहाँ से निकल जाता है। और पिनोकियो अपने पिता गेपेटो को याद करता है और स्टॉम ने वहीं पर रूम की चाबी रखी होती है। दूसरी तरफ गेपेटो स्कूल तक आ जाता है लेकिन उसे वहाँ पिनोकियो कहीं नहीं दिखता। फिर स्टॉम अपने उस जगह सर्कस को गाड़ियों में भरकर निकल रहा होता है और तब वहाँ फैद ऊपर से पिनोकियो को देखकर बताती है स्टॉम काफी बुरा है और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। पिनोकियो बताता है कि वो इंसान है बट वो सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करता है जो कि मेरे पिता गेपेटो है। और तब फैद वहाँ रूबी को नीचे भेजती है और वो पिनोकियो की मदद करने आई है ये बताती है और तब पिनोकियो उसकी मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ रूबी बताती है वहाँ पर चाबी है उससे वो पिनोकियो को आजाद किया जा सकता है।
और तब पिनोकियो बताता है रूबी को ऐसा करने से वो भी कैद हो सकती है। और तब वहाँ रूबी बताती है कि वो अगले गांव शो के बाद स्टाम से पैसे लेकर अपना शो शुरू करने वाली है और पिनोकियो इस चीज से खुश होता है। लेकिन वहीं पर स्टॉर्म आ जाता है और वो वहाँ पर फैद के आने का रास्ता को बंद कर देता है और फिर स्टॉर्म वहाँ से चला जाता है और उनकी गाड़ी पिनोकियो के स्कूल के पास से गुजरती है जिसमें टायर के लगने के वजह से जिम्मी आजाद हो जाता है और वो वहाँ पिनोकियो को देखता है और तब जिम्मी भागकर उसके पास आ जाता है और उसे देखकर पिनोकियो बहुत खुश होता है और वहाँ पिनोकियो कहता है हमें स्कूल जाना था और उसे फेमस नहीं होना था। उसकी नाक बड़ी होने लगता तब जिम्मी समझ जाता कि पिनोकियो के झूठ बोलने के वह नीली परी के जादू के वजह से पिनोकियो की नाक बड़ी होगी और वहाँ पिनोकियो चाबी के तरफ देखता है और फिर झूठ बोलता है जिससे उसके नाक के चलते जिम्मी चाबी के पास पहुंच जाता है। फिर पिनोकियो जिम्मी को वापस बुलाता है और वो सच बोलने लगता है जिससे पिनोकियो का नाक छोटा हो जाता है और पिनोकियो स्कूल नहीं जाने के लिए माफ़ी मांगता है और तब जिम्मी के मदद से पिनोकियो आज़ाद हो जाता है और फिर दोनों वहाँ से निकलकर घर की तरफ जाते हैं और वहीं पर दोनों एक दूसरी गाड़ी से टकराते हैं जिसमें काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और पिनोकियो को वहाँ से उस गाड़ी में बिठा दिया जाता है और तब वहाँ सैम नाम का एक लड़का पिनोकियो से मिलता है और सैम पिनोक को ड्राइवर से मिलता है और गाँव के सारे बच्चों को वो लोग वहाँ से पैलेजर आयल के जगह पर लेके जा रहे होते हैं जिसमें वहाँ पर वो लोग चाहे कितना भी खा पी सकते हैं और वहाँ चीजें तोड़ सकते हैं और वो बच्चे अपने माता पिता से परेशान होते हैं और उन गाड़ियों के पीछे जिम्मी लटका हुआ होता है और वहाँ सैम बताता है पिनोकियो को काफी मजा आएगा और वहाँ पिनोकियो के हाथ से प्लेजर आइलैंड का नक्शा उड़ जाता है। तब सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं जिसमें जिम्मी भी रास्ते में गिर जाता है और पिनोकियो उन लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटों के बाद सभी लोग गांव से दूर समुद्र के पास एक आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं जिसमें पिनोकियो भी उनके साथ होता है और पिनोकियो सैम एक बोट में वहां से आगे निकलते हैं और ट्रेजर आइलैंड पर सभी बच्चे वहां तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं और वहां एक आदमी सभी बच्चों को ड्रिंक्स पिला रहा होता है जो कि सैम और पिनोकियो भी लेते हैं और वहां बाकी के बच्चों के साथ सैम भी चीजें तोड़ने लगता है और ये चीज पिनोकियो को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ गैपेटो किनारे पर आ जाता है और वहाँ उसे उसके कबूतर प्लेजर आइलैंड का नक्शा देता है और तब गैपेटो समझ जाता है कि पिनोकियो वहाँ पर गया है और वो वहाँ पर मुसीबत में फंसा होगा और फिर प्रेजर आइलैंड के बाहर जिम्मी भी आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियाँ गधों को पकड़ के लेके जा रही है और ये चीज जिम्मी को बहुत अजीब लगती है। उसने वहाँ पर काफी सारे गधे होते हैं और फिर पिनोकियो और सैम एक जगह पर खेल रहे होते हैं और वहाँ पिनोकियो को अजीब लगता है जिसमें वो देखता है सैम गधा बन रहा है और अचानक से सैम पूरी तरह से गधा बन जाता है और इस चीज से पिनोकियो डर जाता है और सैम वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पिनोकियो के कान भी गधे जैसे हो जाते हैं और उसको पूंछ आ जाती है। तभी वहाँ पर जिम्मी आ जाता है और वो पिनोकियो को देखकर चौंक जाता है और तब वहाँ पर ड्राइवर पिनोकियो को बुरी शक्तियों के साथ पकड़ने आता है और तब पिनोकियो जिम्मी वहाँ से किसी तरह भागते हैं और दोनों भागकर एक किनारे से समुद्र में कूद पड़ते हैं जिसमें पिनोकियो की लकड़ी होने की वजह से वो डूबता नहीं है और दोनों तेजी से तैरकर गांव के तरफ जाते हैं। अगले दिन सुबह गांव पहुंचने पर उन्हें पता चलता है गैपेटो घर पर नहीं होता है। तब वहाँ कबूतर उन्हें बताता है गैपेटो को पिनोकियो से काफी प्यार था और उसने अपनी सारी घड़ियों को बेच दी और एक बोट खरीद कर पिनोकियो को बचाने के लिए पेलेजर आइलैंड गए हैं। तब ये सुनकर पिनोकियो दुखी होता है। फिर वो किनारे पर आकर गैपेटो को देखना चाहता है जो कि इन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है और वहीं पर स्टॉर्म की गाड़ी आती है और तब पिनोकियो जाके छुप जाता है और तब उसके सामने रूबी आती है जिसमें पिनोकियो फैद से मिलता है और वहाँ रूबी बताती कि उन्होंने अपना अपना शो शुरू किया है जिसमें पुलिस वाला ने स्टॉर्म को जेल में बंद कर दिया है और तब पिनोकियो बहुत खुश होता है और वहाँ फैद पिनोकियो को उनके शो का हिस्सा बनने कहती है और तब पिनोकियो
बताता है उसे उसके पिता को बचाना है और उसकी सच्चाई से उसके कान पूछ चले जाते हैं और इस चीज से पिनोकियो खुश होता है। और तब वहाँ रूबी पिनोकियो को बाय बोलकर आगे बढ़ती है और तब पिनोकियो और जिम्मी खुश होते और वहाँ कबूतर आकर बताता है कि गेपेटो उत्तर दिशा में आगे जा रहा है और फिर कबूतर की मदद से पिनोकियो और जिम्मी उसी तरफ आगे बढ़ते हैं और तीनों काफी तेजी से आगे निकलते हैं और काफी दूर जाने पर उन्हें गेपेटो उनकी बोट में दिखते हैं और वहाँ पिनोकियो उन्हें बुलाता है और तब गेपेटो पिनोकियो को देखकर खुश हो जाता है और वहाँ पिनोकियो बताता है वो स्कूल से निकाला गया और इसके टीचर ने उसे पुतले का शो करने को कहा है। पिनोकियो के शो करने पर वो काफी फेमस हो चुका है जिसमें लोग उसे पसंद करते हैं और वहाँ से वो पेलेजर आइलैंड गया जिसमें वो उन लोगों से बचकर अपने गांव गया था और वहाँ से गेपेटो अपने पिता को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और गेपेटो पिनोकियो के एक दिन में इतना सब करने से चौंक जाता है और तब अपने पास बुलाता है। तभी वहीं पर एक हवेल मछली पिनोकियो और गेपेटो को बोट को निगल जाती है जिसमें ऊपर कबूतर जिम्मी बच जाते हैं और फिर हवेल के पेट में पिनोकियो आगे बढ़ता है और वहां उसे गेपेटो मिल जाता है और तभी दोनों खुश होते हैं जिसमें वो दोनों उस हवेल के पेट में देखते हैं और वहां काफी सारा सामान होता है और वहां से निकला नहीं जा सकता है ऐसा गेपेटो को लगता है। और तब वहां पिनोकियो को हवेल के पेट में तेल देखता है तब वो अपने पैर बहुत तेजी से घिसता है वहां आग लगा देता है। दोनों हवेल मछली का मुंह खुलने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद वो मछली अपना मुंह खोलती है और वहां पिनोकियो गेपेटो बोट को लेकर आगे बढ़ते हैं और हवेल मछली के पेट से काफी दूर जा उठती है जिसमें बोट टूट जाती है और वहां गेपेटो एक पानी के लहर में गिर जाता है और वो पानी में डूब जाते हैं और तब पिनोकियो उन्हें बोट से बाहर लाता है और वो आसपास देखता है जिसमें हवेल उनकी तरफ फिर से आती है और तभी पिनोकियो वहां से बोट को काफी तेजी से अपना पैर मारकर किनारे की तरफ लेकर आता है और वो बहुत ज्यादा तेज होता है और फिर वो हवेल मछली से बचकर किनारे के गुफा में बहुत तेजी घुस जाते हैं और उस गुफा से पिनोकियो दूसरी तरफ एक पत्थर पर से उठता है जिसमें गेपेटो बेहोश होता है और तब पिनोकियो उन्हें देखता है जिसमें गेपेटो नहीं उठ पाते हैं और तब पिनोकियो दुखी होता है और वह वो रोने लगता है जिसमें उसका पहला आंसू गेपेटो पर गिरता है और वह चमत्कार होता है और गेपेटो उठ जाते हैं और फिर वो पिनोकियो से मिलते हैं जिसमें वो दोनों काफी खुश होते हैं और वह पिनोकियो ने गेपेटो के साथ उनके सारे जानवरों को भी बचा लिया होता है और उसने खुद की जान परवाह न करके सभी को बचा लिया होता है जिसमें पिनोकियो एक जिंदा बच्चे से ज्यादा काफी बेस्ट है। गेपेटो उससे काफी खुश है वो बताते हैं और तब पिनोकियो अपने पिता से गले मिलता है और वो भी उनसे काफी ज्यादा प्यार करता है ये कहता है जिसमें दोनों खुश होते हैं और वहां से पिनोकियो को एक जादुई गुफा दिखता है और तब गेपेटो को उनके अपने साथ आने के लिए बोलता है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं जिसमें पिनोकियो के शरीर का पता नहीं लेकिन उसका दिल एक असली बच्चा के जैसा था ये कहकर जिम्मी उसकी कहानी को खत्म करता है और ये स्टोरी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेन अच्छा लगा हमारी गोल को पूरा करवा दीजिए, सब्सक्राइब और लाइक से भर दीजिए और हमसे कुछ भूल हो गई हो तो कमेंट आपके लिए खुला है।